खारकीव से कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि वापस इंडिया लौटे हैं, फिलहाल कर्नाटक भवन में मौजूद हैं। सुमन हमारे साथ है, सबसे पहले उनसे बात करेंगे कि वो खारकीव में युद्ध के बीच में किस तरह से फंसे थे और वहाँ से कैसे निकले। सुमन, सबसे पहले आपका न्यूज़ 18 इंडिया पर स्वागत है और भारत आप पहुँच गए हैं, ये बताइए कि कैसे वहाँ से वापस आए आप लोग और वहाँ जब आप फंसे हुए थे तो क्या हो रहा था? एक्चुअली आई थैंक एवरीवन लाइक इंक्लूडिंग गवर्नमेंट, इंक्लूडिंग अवर कॉन्ट्रैक्टर्स लाइक हरदीप भाई, स्वाधीन, पूजा दी एंड मणि भैया, एवरी वन फॉर मेकिंग सक्सेसफुल एवैक्यूएशन ऑफ दीज मेनी स्टूडेंट्स। लाइक देर आर मोर देन 8,000 इंडियन स्टूडेंट्स इन खारकीव नेशनल और इन द खारकीव रीजन, विच इज टू मच लार्ज पॉपुलेशन टू गेट एन एवैक्यूएट, दैट इज सक्सेसफुल एवैक्यूएशन, बट वी हैड सफर टू मच इन साइड बंकर। आपका नाम? मेरा नाम अमित है सर। हमें बताएं कि आप कहां पर फंसे हुए थे और यहां कब आए, कैसे आए? सर, हम खारकीव से है, खारकीव में हम फंसे हुए थे। खारकीव से हम लोग बंकर में थे, हम लोग 9 मेंबर थे। आप जानने होगा नवीन जो मरा हुआ वो मेरा दोस्त ही था, मेरा बंकर में ही था, हम लोग कर्नाटक से है ना सर। ये 5 बच्चों हिम्मत लाइक दे टुक हिम्मत लेकर वो दे ट्रैवल टू रेलवे स्टेशन एंड वी 4 लाइक हम 4 वहाँ पे ही थे। उस दिन वो 5 लाइक चल पड़े, लाइक दे सक्सेसफुली दे लाइक गॉट ट्रेन एंड दे गॉन टू लाइक पोलैंड। हम 4 बंदे उसमें एक वो नवीन वो शॉपिंग करने वक्त तो उसका मौत हो गया, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। एंड हम लोग उसके बाद अगले दिन हम लोग सारे कंसल्टेंसी और सारे लाइक 1,500 स्टूडेंट्स हम लोग सारे रेलवे स्टेशन को चल पड़े। उसके बाद हम लोग हमको सिर्फ लड़कियों को सारा सीट मिल गया, वो क्या है ना लड़कियों का प्रेफरेंस ज़्यादा था वहाँ पे, ज़्यादा लड़कियों का मिल गया हम लड़का लोग उसका लाइक वी डोंट गॉट सीट सर बिकॉज ऑफ लाइक लोकल पीपल्स ऑल्सो वॉज देर दे आर ऑल्सो वेटिंग फॉर इवैक्यूएशन, वी डोंट गॉट अस लाइक रेलवे सीट सर। एंड वी डायरेक्टली गॉट अ न्यूज़ फ्रॉम एडवाइजरी न्यूज़ फ्रॉम एम्बेसी, हम लोग पिसोचिन दे अर्जेंटली वी हैव टू एवोकेशन पिसोची हम लाइक पिसोचिन हम लोग गए। सारे लोग स्टूडेंट्स हैं ये जितने, आप लोग कहाँ से हैं, आप लोग भी फंसे हुए थे? हम बेंगलुरु से हैं सर, बेंगलुरु से खारकीव में फंसे हुए थे। खारकीव में फंसे हुए थे, आप कब पहुँचे यहाँ पर? आज सुबह। वहाँ किस तरह की मदद मिली, कैसे निकल पाए, संभव कैसे हुआ? सभी इंडियन एम्बेसी के द्वारा संभव हुआ है सर, इंडियन एम्बेसी ने भेजा बस से पालतू बस से बॉर्डर तक छोड़ दिया। तो देखिए फिलहाल ये बच्चे जो हैं ये सब यहाँ पर आए हुए हैं, अब यहाँ से ये निकल रहे हैं। कर्नाटक के ज़्यादातर इसमें से बच्चे हैं जो कि यहाँ कर्नाटक भवन में रुके हुए हैं। और आप बताइए कि ये सारे बच्चे आपके जूनियर दिख रहे हैं? हाँ, सारे बच्चे हमारे जूनियर ही है। अभी 9 बच्चों को 3:30 बजे का फ्लाइट मिल गया कर्नाटक के लिए और हम लोग 6:30 हम लोग सारे और बच्चे का लाइक 6:30 पे फ्लाइट है। एंड थैंक यू फॉर इंडियन गवर्नमेंट एंड हरदीप भैया, स्वाधीन भैया, मणि भैया एंड सोई भैया, वी सक्सेसफुली डन द एवोकेशन एंड वी आर फाइनली इन अवर कंट्री, आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट, थैंक यू मोदी जी। चलिए तो देखिए ये धन्यवाद दे रहे हैं सभी का इवैक्यूएशन में जिन जिन लोगों ने मदद की। आप बताइए आपका नाम? रवि तेज जी। रवि, अभी आप वापस कर्नाटक जा रहे हैं, आपका इवैक्यूएशन हुआ, आप किस तरह से निकल पाए यूक्रेन से? गवर्नमेंट ने हमारा मदद किया, उसलिए थैंक्स बोलना चाहते हैं। पहले हमारा भी कुछ मेहनत था, किसी का भी नुकसान नहीं था। आप कहाँ पर थे और कहाँ से वापस आए, फ्लाइट कहाँ? खारकीव से पिसोचिन गए, पिसोचिन से हम बस अरेंज करके बॉर्डर तक, रोमानिया बॉर्डर तक पहुँचे, रोमानिया बॉर्डर से फ्लाइट पकड़ के दिल्ली आए। आप वहाँ पर क्या कर रहे थे, किस ईयर में थे? हम 2nd ईयर में हैं, मेडिसिन कर रहे हैं। ये भी आपके साथ हैं? हाँ। ये आपका क्या नाम है? रक्षित। रक्षित, ये बताएं कि आप लोग कब पहुँचे यहाँ पर दिल्ली और अभी कर्नाटक के लिए आपकी फ्लाइट है? आज सुबह हम इधर पहुँचे दिल्ली को और आज हम कर्नाटक को जा रहे हैं बेंगलोर। कैसे यहाँ पहुँच पाए, किस तरह की मदद मिली आपको यूक्रेन में? यूक्रेन में हमारे सीनियर्स बहुत हेल्प किया और इंडियन एम्बेसी, इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत हेल्प किया, उसको धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और नेक्स्ट हमारा सीनियर्स ने बहुत सारा हेल्प किया, सुमन भैया, हरदीप भैया बहुत हेल्प किया एंड मोर थैंक फॉर ऑल द सपोर्टर्स एंड प्रेयर्स फॉर अस।
चलिए तो देखिए, ये धन्यवाद दे रहे हैं पूरे भारत सरकार की, इंडियन एम्बेसी को धन्यवाद कह रहे हैं। बड़ी बात यह है कि जिस तरह से यूक्रेन में ये फंसे हुए थे खार्किव में, जहां पर तोप और गोले बरस रहे हैं वहां ये फंसे हुए थे, लेकिन सभी बच्चे जो हैं अब सेफली निकल चुके हैं और यहीं दिल्ली के कर्नाटक भवन में रुके हुए कुछ बच्चों को वापस कर्नाटक जाने के लिए फ्लाइट अभी मिल गई, कुछ शाम तक निकलेंगे। लेकिन कुल मिलाकर के बच्चे काफ़ी ज़्यादा खुश हैं कि वो सुरक्षित भारत पहुंच पाए हैं और वो अब अपने घर की तरफ जा रहे हैं। फिलहाल उनके चेहरे पर ये सुकून है कि ज़िंदगी बची हुई है, उसके बाद आगे की प्लानिंग करेंगे। फिलहाल जहां वो फंसे हुए थे वहां से निकल पाना एक तरह से मुमकिन नहीं दिख रहा था, लेकिन एम्बेसी ने बड़ी मदद की लोगों की, बच्चों की, जिसकी वजह से ये सुरक्षित वापस आ पाए हैं।